सभी राज्यों में सरकार के संसाधनों के अतिरिक्त विकास के लिए प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने की कोशिश हो रही है। यह बात सीएम जयराम ठाकुर ने आज धर्मशाला में प्रेस वार्ता में कही। सीएम ने कहा कि कई राज्यों ने इन साइजेबल इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के बाद प्रदेश के विकास में उसमें गति देने में सफलता हासिल की है। हिमाचल इन सारी चीजों में पीछे हैं, जिसके चलते हमने तय किया है कि यहां प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करके विकास को गति दे सकते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का स्थान धर्मशाला रखा है, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। इस मीट का उद्देश्य है कि हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आए, देश के अंदर से या बाहर से। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि बाहरी देशों से भी निवेश आने की संभावनाएं बनी है। इन्वेस्टर मीट आज तक का धर्मशाला में सबसे बड़ा इवेंट होगा। चंडीगढ़ में सरकारी गाड़ी से 2.5 लाख रुपए चोरी होने के मामले पर सीएम ने कहा कि जो हुआ उस पर FIR दर्ज करवाई गई है। मेरी इस संबंध में मंत्री से बात भी हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस मामले को राजनीतिक दृष्टि से इतना तूल देना उचित नहीं है। सीएम जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के लिए धर्मशाला कागजों व भाषणों तक सीमित है, जबकि हमने धरातल पर धर्मशाला के विकास की बात की है। जबकि भाजपा ने धर्मशाला के महत्व को देखते हुए साल में 2 बार PM को बुलाकर विकास को गति प्रदान करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि बंद हो रहे या बंद पड़े उद्योगों को पुनः चालू करवाया जाए। ये बात उन्होंने उस वक्त कही है जब कुछ ही दिनों के अंतराल में धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होने जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि NGT और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से ही नया निवेश किया जाएगा। उचित नहीं लग रहा, इस दृष्टि से हमने तय किया जो सरकारी संसाधनों के माध्यम से हिमाचल के विकास के लिए हम जो काम कर रहे हैं वो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं जहां हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने विकास को गति दे सकते हैं। हम उस दिशा में आगे बढ़े और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने आपकी बात को ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का जो प्लान किया है उसका वेन्यू भी हमने धर्मशाला में, उसकी तैयारी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। और मुझे इस बात को लेकर कि मैं आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि इस इन्वेस्टर मीट को हमने सिर्फ 1-2 सेक्टर तक ही सीमित नहीं किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का अभिप्राय यह है कि हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आए, थोड़ा ज्यादा इस रूप में, देश के अंदर, देश के बाहर, सब जगह से। उस दृष्टि से हमने देश के अंदर कुछ जगह में रोड शो किए, इसमें बेंगलोर के, इसके बाद हैदराबाद के, मुंबई के, दिल्ली के, हम गुजरात में अहमदाबाद के, चंडीगढ़ के, और विद इन स्टेट भी हमने मनाली और शिमला में मिनी कंक्लेव किया। और उसके साथ देश के बाहर भी जर्मनी के, नीदरलैंड्स के, दुबई। और मुझे इस बात की खुशी है कि बाहर के देशों से भी इन्वेस्टमेंट आने की संभावनाएं बनी है। और इस ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में UAE से भी, अबू धाबी से भी, दुबई से भी, और उसके साथ साथ में हम उम्मीद कर रहे हैं जर्मनी और नीदरलैंड से इन्वेस्टमेंट के लिए यहां पर कुछ मित्र हमारे आएंगे। देखिए, उसमें आरोप का विषय बहुत ज्यादा, उसमें क्या बन सकता है, उसमें आरोप क्या है, चोरी हुआ है, FIR दर्ज हुई है, सरकारी गाड़ी कार्रवाई उसमें उसके मुताबिक होगी, जो FIR दर्ज हुई है उसके मुताबिक होगी। और सारी चीजों को लेकर के हमने जानकारी हमने भी मंत्री से बात की है, लेकिन इसको मुझे लगता कि इस तरह से इतना बड़ा उसको फूल देना उसको राजनीतिक दृष्टि से ये उचित नहीं है। सर, पिछले कल हमीरपुर में ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है। सचमुच में ये बात ठीक है कि हमको हिमाचल प्रदेश में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करता है, काम करते हैं, उनके बारे में भी हमको सहयोग के लिए पॉलिसीज में कुछ बातें सोचनी पड़ी। लेकिन ऐसी भी परिस्थिति नहीं है
कि बिल्कुल भी यहां से इंडस्ट्री पलायन करके जाए, इंडस्ट्री बंद करी। कुछ बातों का वो जिक्र करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जो प्रकार की। हिंदी की और कुछ एक जगह कोर्ट का उसमें दखल जरूर है कुछ चीजों में, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जिस तरह का इन्वेस्टमेंट आ रहा है और जिस तरह के इन्वेस्टमेंट हम लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, एक तो उन सारे इश्यूज को लेकर के लीगली हम जो है वो एनजीपी और जो कोर्ट के जो इश्यूज हैं उनको हम ठीक प्रकार से अपना पक्ष रखने के साथ साथ में अपने पक्ष में जो सारा निर्णय आए उसके लिए हम कोशिश कर ही रहे हैं। लेकिन उसके बाद मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट जिस तरह का हमारे पास आ रहा है, तो अभी तक उसमें एनजीपी और हाईकोर्ट के उस वो बहुत सीमित इसमें तक जहाँ तक उसका प्रभाव क्षेत्र है, बाकी सब जगह पर देश में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। इन्वेस्टमेंट जहाँ आ रहा है वो उसमें कोई बाधा उसके कारण नहीं। सर एक सवाल था, लाइफ टाइम्स टीवी धर्मशाला ब्यूरो। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।